भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य रखा। पुजारा का 68 और लेथल लाइन को 8 विकेट मिले। आइए देखते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के टी टू फुल हाइलाइट्स। इससे पहले आप भी इंडियन टीम को एक अच्छा फैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। पहले दिन स्पिनर ने कहर बरपाया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 109 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर मैथ्यू कूनमे ने 5 और लेथल नायल ने 3 विकेट और डेविड मर्फी ने 1 विकेट लिया। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 156 रन बना लिए थे। आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य रखा है। टीम इंडिया की दूसरी पारी 163 रन पर सिमट गई। पहली पारी में भारत ने 109 रन बनाए थे, जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 197 रन बनाए थे। कंगारुओं को 88 रन की बढ़त मिली थी। भारत ने दूसरी पारी में 163 रन बनाया और इस तरह 75 रन की बढ़त हासिल की और 76 रन का लक्ष्य रखा। मोहम्मद सिराज के रूप में भारत को आखिरी विकेट गिरा। इसके साथ अंपायर ने दूसरी दिन का खेल खत्म करने की घोषणा कर दी। अब ऑस्ट्रेलिया के अगले 3 दिन में 76 रन बनाना है।